हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड चार्ली। स्वागत है फिर से आपको रूल ब्रेकर में। और आज हम करने वाले हमारे चैनल का फर्स्ट अनबॉक्सिंग, लिको LE1S का अनबॉक्सिंग आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, मतलब बताने वाला हूं, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। और ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा दिक्कत भी हुआ था, लेकिन क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड है वो टूट गया था, और मेरे दो दोस्तों ने ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मदद की है। ये है मेरे दो दोस्त, इन दोनों ने मुझे वीडियो बनाने में बहुत मदद की है। तो आइए देखते हैं लिको LE1S का अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यह है लिको LE1S जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है। अभी काफ़ी अच्छा पैकिंग है, पूरा तरफ एकदम सील लग रहा है। ये जो है यहाँ पे बिल है वो COD में मैंने ऑर्डर किया था, 8998 रुपीज़ का बिल भी यहाँ पे दिया गया। अंदर में एक बिल होगा, तो आइए इसको खोलते हैं। चलो खोलो, ये आ गया लिको LE1S। पैकेजिंग फ्लिपकार्ट का तो मस्त होता है। इसको खोलना पड़ेगा, भी कैंची चाहिए, कैंची लगा ले। पूरा तरफ एकदम सील है, देख सकते हैं, एकदम फुल टाइट सिक्योरिटी के साथ। तो ये इसको काटते हैं चाकू से। चलो काटो काटो, इस तरफ भी काटना पड़ेगा। काटो 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 काटो, इस तरफ भी काटो काटो काटो। अब हो गई ओपन। ये निकाले टीवी का लिको LE1S का निकला फोन। ये क्या है, इधर साइड में मिलेगा आपको हेडफोन, वो जो लिको का होता है उसके साथ फ्री आता है। और ये आपका है हैंडसेट LED लिको LE1S का। कभी पिक्चर नहीं है, सिर्फ लिखा है LED जो कि LED का हर फोन में होता है, ऐसा ही पैकेजिंग। इसको खोलते हैं, इधर इसका बारकोड, IMEI नंबर सब कुछ लिखा है। इसको खोलना, फिर से चक्कू से खोलना पड़ेगा। ये मेरा दोस्त है, मैंने बोला था आपको मेरा ट्राईपॉड खराब है, इसलिए मेरे दो दोस्त ने हेल्प किया इसे खोलने के लिए, मतलब अनबॉक्स करने के लिए। खोलो खोलो खोलो, बस अब फोन हो जाएगा। इसको हटाओ, निकालो। अब ये निकलेगा लिको LE1S। अरे बाप, मस्त लग रहा है देखने में। LED भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे। उसको उठाते हैं, ये आ गया फोन मेरे हाथ में, पूरा एकदम लैमिनेशन की तरह सील किया हुआ है, बड़ा फोन प्लास्टिक से चारों तरफ से। इसको रखते हैं साइड में। अब बॉक्स को ओपन करते हैं। ये हो गया बॉक्स ओपन। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे मिलेगा, इसको ओपन करते हैं, रुकिए एक मिनट। हाँ ये हो गया ओपन। यहाँ पे इसको साइड में रखिए। ये मिलेगा Type-C का डाटा केबल, और ये है चार्जर है जो कि इंडियन है, चाइनीज पोर्ट का नहीं है। चार्जर काफ़ी बड़ा है, 2.1 एम्पीयर का चार्जर आता है। वेट भी काफ़ी अच्छा है इसका। चार्जर और ये गया डाटा केबल जो कि Type-C पोर्ट में आता है, यूनिवर्सल USB पोर्ट में नहीं है, Type-C पोर्ट में। और ये आ गया हमारा फोन का। क्लासी लुक है इसका, बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छा है। स्पीकर जो है वो नीचे दिया गया है, अभी तो पूरा सील है। इसको खोलेंगे बाद में, पैकेट में देखते क्या है। यहाँ पे आपको कागज वागज मिल रहा है फोन के साथ, जो मिलता था इंस्ट्रक्शन वो मिल रहा है। ये आ गया हेडफोन जो कि 1300 रुपये है मार्केट में अभी। इसका स्पोर्ट्स क्वालिटी का हेडफोन है। तो खोलते हैं, देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। खोलो खोलो, ये आ गया हेडफोन। यहाँ ईयरबड भी मिल रहा है, 2-3 एक्स्ट्रा। और ये जो है मेन हेडफोन है, स्पोर्ट्स क्वालिटी का हेडफोन है, मतलब इसके रैप यूज़ के लिए अच्छा है, लेकिन साउंड क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं देता। ये अच्छा है, मतलब नॉर्मल हेडफोन से अच्छा है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं होता साउंड क्वालिटी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अच्छा होता है, बहुत दिन तक टिकता है ये हेडफोन। ऐसा हेडफोन मैंने यूज़ किया है पहले, ये हेडफोन। ये आ गया हेडफोन, साइड में रखिए। पैकेट में देखिए ईयरबड मिल रहा है आपको, 3 पेयर्स 4 पेयर्स।
एक पीस इसको रखते हैं साइड में। फोन की बारी, फोन को हटाते हैं पहले। पहले प्लास्टिक, ये चला गया, प्लास्टिक हट गया पीछे से। ये फिंगरप्रिंट का जो कवर था वो भी हट गया। अब ये सामने वाला है स्क्रीन को, इसको भी खोलना पड़ेगा। सामने भी स्क्रीन गार्ड है। ऑन करते हैं फोन को। ये हो गया ऑन। अभी फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है, इसे टाइम लगेगा। स्क्रीन गार्ड को भी हटा दिया। ये जो चीज़ें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन और मतलब बॉडी के बीच जो बेजल है, काला करके एक लाइन है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस कलर का फ़ोन ऑर्डर नहीं करता। लेकिन कर दिया इसको, दूसरे कलर में अवेलेबल नहीं था। अरे बाप रे, पीछे जेली कवर भी है। मैंने सोचा था प्लास्टिक लैमिनेशन है। कवर भी लगा हुआ है इस फोन के साथ। फिंगरप्रिंट भी दिखने में अच्छा है, लेकिन कांच की तरह है, मैला और धूल ज़्यादा जम गया इसमें। नीचे स्पीकर है, एक टाइप स्पीकर है, इधर माइक है। ऊपर में आपको हेडफोन पोर्ट मिल रहा है और ये नॉइस रिडक्शन सेंसर मिल रहा है आपको। ऊपर तरफ बिल्ड क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ठीक ही है। ऑन हो जा, जल्दी हो जा, इतना टाइम काहे लेता था। अरे बाप रे, बहुत टाइम ले रहा था ये। चलो दूसरी चीज देखते हैं। कवर अच्छा है, कभी जैसे जेली कवर होता है वैसे ही है। हेडफोन छोड़ो, फोन ऑन हो गया। फोन नंबर ऑन। अब स्क्रीन ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, इसको घटाना पड़ेगा। टच अच्छा ये काम कर रहा है। मैं बाद में इस फोन का जो है रिव्यू, हैंड्स ऑन और इन डेप्थ रिव्यू बनाने वाला हूँ, वो बाद में अपलोड करूँगा। पहले ये अनबॉक्सिंग हो जाए, उसके बाद अभी सेटिंग वेटिंग करने दे रहा है। फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट जो कुछ भी है वो सब सेटिंग करने दे रहा है। अब ये आ गया फोन का जो है मेन UI, EUI कहते हैं इसको। काफ़ी स्मूथ है, अच्छा है। अभी नया इसके अच्छे से लगा, पता नहीं, मैंने लिखो पहले यूज़ नहीं किया। और तक कैमरा क्वालिटी देखते हैं। हाँ अच्छा ही लग रहा है कैमरा क्वालिटी, 13 MP के हिसाब से अच्छा ही है। मैं बाद में आपको जो डिटेल रिव्यू बनाऊंगा उसमें दे दूंगा फुल कैमरा क्वालिटी कैसा है। दूसरा चीज़ जो भी है, हेडफोन के फोटो खींचते हैं। एक्सपोजर लॉक भी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा आ रहा है फोटो, अब देख ही सकते हैं। तो दोस्तों ये थी लीको LE1S का, मतलब ली टीवी का जो फ़ोन है उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो। मैं बाद में इसको हैंड्स ऑन और इन डेप्थ रिव्यू, फुल डेप्थ रिव्यू का वीडियो भी आपको मतलब अपलोड करूँगा जल्दी। तो देखते रहिए ऐसे ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। तो जय हिंद।